अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जन्नत और उसकी नेमतें इस मौजू के तहत आपके सामने तफसीलात पेश की जा रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक आपके सामने कुछ तमहीदी बातों में जन्नत के मौजूद होने और जन्नत से मुतालिक जो भी तफसीलात बयान की गई हैं क़ुरान और हदीस में, उन पर ईमान लाने से मुतालिक बात हुई। इसी तरीके से जन्नत के औसाफ के बारे में बात हुई और इसी तरह से जन्नत में अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदे के लिए क्या क्या चीज़ें तैयार कर रखी हैं और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सहूलियात वहाँ फ़राहम हैं और कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं जन्नत में, जिसको क़ुरान में और हदीसों में बयान किया गया है। ये सारी बातें नाज़रीन किराम आपके सामने आईं। अब आइए हम एक कदम आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं अल्लाह तबारक व तआला की उन नवाजिशों का तस्करा करने के लिए, उन इकरामात का, उन इनामात का और उन नेमतों का जो अल्लाह तआला अहले जन्नत को क़यामत के अता फरमाएंगे और अहले जन्नत की जो ज़िंदगी पुरऐश होगी, ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी जो होगी, वो ज़िंदगी कैसे होगी, अहले जन्नत किस तरीके से रहेंगे, कितने खुश होंगे, कितने ज़्यादा वो उसमें जो है लुत्फ़ उठाएँगे और कितनी लज्जत वाली ये ज़िंदगी होगी। आइए हम आपके सामने इसका तस्करा करते हैं। चुनांचे सबसे पहली बात जो आपके सामने इस ताल्लुक़ से ज़िक्र की जाएगी नाज़रीन किराम, वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला जन्नत वालों को जो इकरामात, इनामात, नवाजिशात और रहमतें उन्हें अता फ़रमाएँगे और इनायात अता फ़रमाएँगे, उनमें सबसे पहली बात जन्नत में अहले जन्नत का पुरजोश इस्तकबाल होगा। जन्नत में जब जन्नत के वाले दाखिल होंगे, अहले ईमान दाखिल होंगे, अहले तौहीद दाखिल होंगे, जन्नती दाखिल होंगे, तो जन्नत में उनका इस्तकबाल नहायत ही शाही मेहमानों की तरह से होगा और नहायत ही पुरजोश उनका इस्तकबाल होगा और नहायत ही ज़बरदस्त इस्तकबाल के साथ उनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वसीक़ल लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इदा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारक में फरमाया कि जन्नतियों को नहायत ही इज़्ज़त के साथ जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। झुंड दर झुंड और झूक दर झूक, जमात दर जमात जन्नतियों को जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। जब जन्नती जन्नत को पहुँचेंगे और वहाँ पर जाएंगे तो जन्नत के दारोगा, जन्नत पर मुतय्यन फरिश्ते उनका पुरजोश इस्तकबाल करेंगे और कहेंगे सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती है, तिब्तुम, कितने खुशनसीब तुम हो, कितने ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी के मुस्तहिक तुम लोग हो और कितने ही ज़्यादा इनामात और नवाजिशात और इकरामात वाले तुम हो। सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन। जाओ अब तुम जो है आराम से जन्नत में दाखिल हो जाओ और हमेशा हमेशा उसमें रहो। ये जो ज़िंदगी ऐसी है कि जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, हमेशा हमेशा उसमें रहो। सूरह ज़ुमर में अल्लाह ताला ने आयत नंबर 73 में बातें बयान फरमाई है। इसी तरीके से सूरह राद में आयत नंबर 23 में फरमाया, वल मलाइकातु यदखुलून अलैहिम मिन कुल्लि बाब सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़्बद्दार। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि फरिश्ते उनके पास हर तरफ से आएंगे, हर तरफ से फरिश्ते मुबारकबादी पेश करेंगे, हर तरफ से फरिश्ते उनको जो है कि तहनियत पेश करेंगे, हर तरफ से फरिश्ते उन पर सलामती भेजेंगे कि हर तरफ से फरिश्ते उनके पास आएंगे और कहेंगे सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती हो, सलामती हो बिमा सबर, तुमने जो सब्र किया है, बहुत बड़ी बात है। तौहीद पर सब्र किया तुमने, ईमान पर सब्र किया तुमने, नमाज पर सब्र किया तुमने, अमल सालेह पर सब्र किया तुमने, बुराइयों से सब्र किया तुमने, आजमाइश में सब्र किया, जो तुमने सब्र किया है अब तुम्हारे लिए बेहतरीन घर, और कितना बेहतरीन घर है जन्नत के ठिकाना। तो जन्नत में जन्नत वालों का पुरजोश इस्तकबाल होगा, उन्हें मुबारकबादी पेश की जाएगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जन्नतियों के बारे में बयान फरमाया है कि जब जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे तो उस वक्त उनकी कैफियत क्या होगी, उनके चेहरे कितने हरे भरे होंगे, कितने हसास होंगे, कितने खुश होंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अहले जन्नत के चेहरे चाँद सितारों की तरह रोशन होंगे, चमक रहे होंगे। वो जन्नत के मुस्तहिक हो गए, उस पर वो इतने खुश हो जाएंगे कि उनके चेहरे सितारे की तरह से, चाँद की तरह से चमक रहे होंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत में दाखिल होने वाला पहला गिरोह जो जन्नत में दाखिल होगा 14वीं रात के चाँद की तरह से उनके चेहरे चमक रहे होंगे, और उनके बाद आने वाले सबसे ज़्यादा चमकीले आसमानी सितारा की तरह होंगे। तो जन्नत में जन्नती जब दाखिल होंगे इतने खुश होंगे, इतने तरोताज़ा होंगे, इतने हसास और बशाश होंगे कि उनका चेहरा चाँद की तरफ से चमक रहा होगा। सबसे पहले दाखिल होंगे उनके चेहरे 14वीं रात के चाँद की तरह से चमक रहे होंगे। जन्नत में जाने वाले खुश नसीबों का कद भी बहुत बड़ा होगा, ऊंचा होगा। चुनांचे जन्नत में जाने वाले खुशनसीबों का कद 60 या हाथ यानी 90 फिट का होगा। 60 हाथ की कद उनकी होगी जन्नत में जाने वालों की। अबू रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को उसकी सूरत पर पैदा फरमाया। उनकी लंबाई 60 हाथ थी। आदम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया था, बनाया था अपने दोनों हाथों से, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ज़िक्र फरमाया है, तो उनकी लंबाई 60 हाथ थी। जो भी जन्नत में दाखिल होगा वो आदम अलैहिस्सलाम की मानिद 60 हाथ लंबा होगा। यानी जब जन्नतियों को जन्नत में दाखिल किया जाएगा तो उनकी कद और उनके जो है क्या नाम है उनका जिस्म, ये 60 हाथ की लंबाई का होगा। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने किताबुल अंबिया में बाब खल्क़ आदम व ज़ुर्रिय्यतिही अलैहिस्सलाम, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने हदीस नंबर 2841 में जिक्र फरमाया है। तो नाज़रीन किराम, आप देख रहे हो किस तरीके से फरिश्ते उनका इस्तकबाल करेंगे, आप देख रहे हो किस तरीके से फरिश्ते जो है उनको मुबारकबादी पेश करेंगे, आप देख रहे हो किस तरीके से ये हसास बशास तरोताज़ा और खुश होंगे, और आप देख रहे हो कि कद के एतबार से भी किस तरीके से लंबे होंगे। जिस तरह से आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया था, उसी तरह से आदम अलैहिस्सलाम के कद के बराबर जन्नतियों को जन्नत में दाखिल किया जाएगा। इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अहले जन्नत जब जन्नत में दाखिल होंगे तो उनके जिस्म बालों से साफ़ होंगे, जो बालों से साफ़ होंगे, मसें भीग रही होंगी मगर दाढ़ी ना निकले, नहीं, चेहरा भी साफ़ होगा एकदम, बिल्कुल ऐसे जैसे दाढ़ी बाल निकलने वाले इस तरह से होंगे, लेकिन दाढ़ी और बाल नहीं उगे हुए होंगे, और बिल्कुल जिस्म बालों से साफ़ होंगे। गोरे चट्टे होंगे, घटे हुए बदन के होंगे, आँखें सुरमगी होंगी। सबकी उम्रें 33 साल की होंगी, 30 और 33 साल के आसपास होंगी। आदम अलैहिस्सलाम की तरह 60 हाथ लंबे और 7 हाथ चौड़े जिस्म वाले होंगे। तो इस तरीके से जन्नत में दाखिल होंगे। तो उनकी सहीहुल जामिअ सगीर में शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को सही करार दिया है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जन्नत में दाखिल होने वाले जन्नतियों की यहाँ मुतअद्दिद सिफ़तें बयान फरमाई हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जन्नत में दाखिल होने वाले जन्नतियों के जिस्म बालों से साफ़ होंगे, जिस्म बिल्कुल साफ़ होगा, जिस्म में बाल नहीं होंगे। दूसरी बात, वो बिल्कुल नौ उम्र और नौजवान की शक्ल के होंगे, 30 और 33 साल की उम्र के होंगे, और बिल्कुल जो है चमक रहे होंगे। इसी तरीके से एकदम गोरे चट्टे होंगे। जन्नत में जाने वाले हर शख्स को अल्लाह तबारक व तआला गोरा बना देगा, खूबसूरत बना देगा। और इसी तरीके से गठे हुए बदन, मजबूत बदन के होंगे, आँखें सुरमीली होंगी। सब की उम्र 33 और 30 साल की उम्र होगी। आदम अलैहिस्सलाम की तरह 60 हाथ के लंबे होंगे। इसी तरीके से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया है यदखुलु अहलुल जन्नति जुरुदन मर्दन मुकहलिना अबना 33 सना, कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जन्नत में जन्नती बिल्कुल साफ़ सुथरे, बाल नहीं होंगे, एकदम उम्र के होंगे, नौजवान होंगे, और 30 और 33 साल की उम्र के ऐसे हिसाब से होंगे। तो नाज़रीन किराम, हम देख रहे हैं कि जन्नत के लोग जिस पुरऐश ज़िंदगी में होंगे और जिस ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी में होंगे और जिन लज्जतों में होंगे, उनमें से सबसे पहली बात तो ये है कि जन्नत में जाते वक्त उनका नहायत ही पुरजोश इस्तकबाल होगा। उनको मुबारकबादी पेश की जाएगी, वो नहायत खूबसूरत होंगे, हशास बशास होंगे, तरोताज़ा होंगे, ना कोई गम होगा, ना कोई टेंशन होगी, ना कोई फ़िक्र होगी, ना कोई खौफ होगा, और इसी तरीके से लंबे चौड़े और ख़ूबसूरत बदन वाले होंगे। जन्नतियों का इस्तकबाल और जन्नतियों का जन्नत में जाने के वक्त उनकी सूरत और उनकी हालत है। आइए अहले जन्नत के बारे में हम कुछ औसाफ जानें कि अहले जन्नत किस तरह से रहेंगे, उनके कुछ औसाफ हम आपके सामने रखें। सबसे पहली बात यह है, अहले जन्नत के चेहरे हर वक्त तरोताज़ा, खुशो खुर्रम और हशास बशास होंगे। जन्नत में दाखिल होते वक्त भी और जन्नत में जाने के बाद हमेशा कभी भी चेहरे पर कोई टेंशन और गम का निशान नहीं होगा। जन्नत में ही कोई गम नहीं है, वहाँ कोई फ़िक्र नहीं है, वहाँ सिर्फ आज़ादी है, वहाँ सिर्फ खुशियाँ हैं, वहाँ सिर्फ लज्जतें हैं, वहाँ सिर्फ जो है खुशहाली है, वहाँ कोई टेंशन और गम वाली बात नहीं है। तो जन्नत वाले हमेशा जन्नत में हशास बशास और खुश नज़र आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वजूह यौमइज़िन नाइमा लिसअयहा रादिया फ़ी जन्नतिन आलिया। सूरह गाशिया आयत नंबर 8 से 10। अल्लाह फरमाते हैं कि उस वक्त जो है कुछ चेहरे तरोताज़ा होंगे। कुछ चेहरों से मुराद अहले ईमान के चेहरे, काफिरों के चेहरे नहुसत का शिकार होंगे, स्याही छा जाएगी चेहरे पर, काले पड़ जाएंगे चेहरे, गमगीन होंगे, टेंशन में होंगे, इसलिए कि जहन्नम की खबर उनको दी गई है, उनको जहन्नम में झोंका जाएगा। लेकिन जन्नत वाले जन्नतियों के चेहरे बिल्कुल तरोताज़ा होंगे, हशास बशास होंगे, खुश होंगे, कोई गम और टेंशन नहीं होगा। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वजूह यौमइज़ मुस्फिरा दाहिकतुम मुस्तबशिरा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वजूह यौमइज़ मुस्फिरा, यानी उस दिन चेहरे नहायत ही खिले हुए होंगे, नहायत ही तरोताज़ा होंगे, खुशो खुर्रम होंगे, हशासो बशास होंगे, ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा, हमेशा हंस रहे होंगे, हमेशा खुश हो रहे होंगे, हमेशा हंसी का इजहार कर रहे होंगे, तरोताज़ा हशास बशास होंगे। सूरह अबस में अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बयान फरमाया है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस में आयत नंबर 26 में इरशाद फरमाया है, लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा व ला यरहक़ु वजूहहुम क़तरुन व ला ज़िल्ला। जिन लोगों ने नेक काम किए, जिन लोगों ने अच्छे काम किए, उनके लिए हुस्ना है, और हुस्ना से मुराद जन्नत। हुस्ना की तफसीर जो आई है वो जन्नत है। अल्लाह ताला फरमाते, जिन लोगों ने अच्छे काम किए, तौहीद को कबूल किया, ईमानियात को कबूल किया, उस पर डटे रहे, अल्लाह के साथ कभी शरीक नहीं ठहराया, अल्लाह के साथ कभी शिरक नहीं किया, और अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुक्म दिया है उसको किया है, जो दुनिया में अल्लाह ताला की इताअत करते रहे, तो उनको हुस्ना मिलेगा और ज़्यादा मिलेगा और मज़ीद मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला का दीदार उन्हें नसीब होगा, वो शर्फ़ हासिल होगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला यरहक़ु वजूहहुम क़तरुन वला ज़िल्ला, उनके चेहरे पर कोई गम और फ़िक्र, इज़्तिराब, बेचैनी और परेशानी नहीं आएगी। चेहरे से कभी जाहिर ही नहीं होगा उनके अंदर कोई गम है और किसी टेंशन का शिकार है। आज दुनिया में आदमी जब कोई परेशानी के शिकार होता है, कोई मुसीबत आती है, तो टेंशन का शिकार हो जाता है, चेहरे से पता चल जाता है कि आदमी किसी फिक्र में है, किसी गम में है, किसी टेंशन में है। लेकिन जन्नती जो है बिल्कुल नहीं, चूँकि उन्हें कोई गम ही नहीं होगा। जन्नत में जो चाहेंगे वो मिलेगा, जहाँ चाहेंगे जिस तरह से रहेंगे, नेमतें मिल रही हैं, लज्जतें मिल रही हैं, उन्होंने जो मेहनतें की थी उसके कई गुना अल्लाह ने उनको नेमतें अता फरमाई, तो उनको सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो गम आने का क्या सवाल है। कुरान करीम में इसीलिए अल्लाह ताला ने बार बार बयान फरमाया, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह के जो औलिया हैं वो किसी से कोई डर नहीं होगा, किसी बात का डर नहीं होगा। उन्होंने अल्लाह ताला की इताअत की है, अल्लाह तबारक व तआला की इताअत की ज़िंदगी गुजारी है, अल्लाह की इबादत की है, तो उन्हें कोई डर नहीं होगा, किसी चीज़ का खौफ नहीं होगा, और ना उन्हें दुनिया की ज़िंदगी का गम होगा। काफिर तो अफसोस करेंगे, अल्लाह ताला से कहेंगे, अल्लाह तू दुनिया में वापस कर दे, हम अब ईमान लाएंगे, हम नेक काम करेंगे, अरे अल्लाह हमसे गलती हो गई तो माफ़ कर दे, अरे अल्लाह तो एक मौका दे दे। इस तरीके से अफसोस करेंगे, लेकिन अहले ईमान तो खुश होंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को हकीकत में इस्तेमाल किया है, इन्होंने अपनी ज़िंदगी का फ़ायदा उठाया है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला की मर्ज़ी में लगाया है, तो उन्होंने उसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया, लिहाजा उन्हें कोई गम नहीं होगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनके चेहरे पर कोई भी बेचैनी, इज़्तिराब, परेशानी, टेंशन और गम का इजहार नहीं होगा। इसी तरीके से नाज़रीन किराम, अहले जन्नत हमेशा सेहतमंद रहेंगे, कभी बीमार ना होंगे। जन्नत में बीमारी नहीं है, हमेशा आदमी सेहतमंद रहेगा, हमेशा जवान रहेगा, हमेशा ताकतवर रहेगा, कभी उसको कोई बीमारी नहीं आएगी। अहले जन्नत हमेशा जवान रहेंगे, कभी बूढ़े नहीं होंगे। अहले जन्नत हमेशा ज़िंदा रहेंगे, कभी मरेंगे नहीं। हमेशा नाजो नेमत में रहेंगे, कभी रंजीदा नहीं होंगे और कभी नेमत से महरूम नहीं होंगे। ये चारों चीज़ें, एक तो अहले जन्नत हमेशा सेहतमंद रहेंगे, हमेशा सेहतमंद तंदुरुस्त, कोई कमी और कोई बीमारी उनके अंदर आ ही नहीं सकती है। दुनिया में कितनी किस्म की बीमारियों का आदमी सामना करता है और कितनी किस्म के अमराज से जो उसको दो चार होना पड़ता है, लेकिन अहले जन्नत हमेशा सेहतमंद रहेंगे, हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे, कोई बीमारी नहीं आएगी। इसी तरीके से हमेशा जवान रहेंगे। जन्नत की ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि 2, 4, 10, 20 साल के बाद उनके जिस्म में, जवानी में कुछ कमी आ जाए, कुछ जो है बुढ़ापे के आसार ज़ाहिर हो जाए, ऐसा नहीं। हमेशा जवान रहेंगे, कभी बूढ़े नहीं होंगे, हमेशा ज़िंदा रहेंगे, कभी मरेंगे नहीं। जन्नत में हमेशा ज़िंदा रहेंगे, जन्नत की ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होगी, कभी नहीं मौत आएगी। और आपसे इसकी तफसील नाज़रीन किराम आपके आगे आएगी कि मौत को ही ज़बह कर दिया जाएगा, मौत ही ख़त्म हो जाएगी, तो मरने का सवाल क्या होता है। इसी तरीके से हमेशा नाजो नेमत में रहेंगे, कोई नेमत उनसे छिनेगी नहीं, कोई नेमत उनको कम नहीं होगी, कोई नेमत से उनको रोका नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, युनादी मुनादिन अन्न लकुम अन तसिहू फला तस्कमू अबदा व अन्न लकुम अन तहयू फला तमूतु अबदा व अन्न लकुम अन तशबू फला तहरमू अबदा व अन्न लकुम अन तनअमू फला तबअसू अबदा। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ पर जिक्र फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक पुकारने वाला पुकारेगा, अरे जन्नतियों सुनो, तुम्हारे लिए अब ये है कि तुम हमेशा सेहतमंद रहो, कभी बीमार नहीं होगे। तुम्हारे लिए है कि हमेशा ज़िंदा रहो, कभी मरोगे नहीं। तुम्हारे लिए है कि तुम हमेशा जवान रहो, कभी तुम बूढ़े नहीं होगे। और तुम्हारे लिए अब ये है कि हमेशा नाजो नेमत में रहो, कभी तुम जो है नाजो नेमत से महरूम नहीं होगे। इसी तरीके से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मयदखुलुल जन्नता युनअमु ला यबअसु वला तुबला सियाबुहु वला यफना शबाबुहु। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने उसी जो है जगह पर इस हदीस को भी रिवायत फरमाया है कि जो जन्नत में दाखिल हो गया वो हमेशा नेमत में रहेगा, कभी नेमत से महरूम नहीं होगा। उसके कपड़े भी बोसीदा नहीं होंगे, ऐसा नहीं कि वो कपड़े पहने हुए तो पुराने हो जाएं, ऐसा नहीं, कपड़े पुराने नहीं होंगे और ना उनकी जवानी ख़त्म होगी। तो अहले जन्नत की जवानी कभी ख़त्म नहीं होगी। इसी तरीके से अहले जन्नत को पेशाब पैखाने की ज़रूरत ना होगी, यहाँ जन्नत में पेशाब पैखाने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी। खूब खाएंगे, अल्लाह की नेमतों को, फल को, खाने को, हर तरह से दूध शहद सब चीज़ें मौजूद है, लेकिन जन्नत में पेशाब पैखाने की ज़रूरत नहीं आएगी। अल्लाह ताला ने, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया है हदीसों में कि उनको पेशाब पैखाने की ज़रूरत नहीं होगी, उनका खाना पीना डकार और पसीना आने से ही हज़म हो जाएगा। वो डकार लेंगे तो उससे जो है खाना हज़म हो जाएगा, पसीना निकलेगा बदन से, उससे उनका खाना हज़म हो जाएगा। क़ज़ाए हाजत की, पेशाब पैखाने की कोई ज़रूरत जन्नत में नहीं महसूस करेंगे। जाबिर रज़ियल्लाहु तआला रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, याकुलु अहलुल जन्नति फ़ीहा व यशरबूना वला यतगव्वतूना वला यतमख्खतूना वला यबूलूना तआमुहुम ज़ालिका जुशाउन करीहिल मिस्क। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जन्नत वाले क़यामत के दिन खाएंगे पिएंगे, लेकिन पैखाने की ज़रूरत महसूस नहीं करेंगे। ना वहाँ से नाक से कोई गंदगी निकलेगी, ना जो है क्या नाम है उनको किसी तरीके से गंदगी का सामना करना पड़ेगा, ना पेशाब की ज़रूरत महसूस होगी। वो जो खाना खाएंगे वो डकार लेंगे और डकार भी लेने से मुश्क अंबर की खुशबू आएगी और डकार लेने से उनका खाना पूरा हज़म हो जाएगा। उन्हें पेशाब करने की या क़ज़ाए हाजत करने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होगी। उनका सारा खाना कस्तूरी जैसे डकार के साथ हज़म हो जाएगा, खुशबू के साथ डकार लेंगे और इस डकार के साथ ही उनका पूरा खाना हज़म हो जाएगा। इसी तरीके से नाज़रीन किराम, अहले जन्नत को नींद की ज़रूरत ना होगी। जन्नत में सोएंगे नहीं, जन्नत में नींद नहीं आएगी, क्योंकि नींद ये मौत की बहन है और मौत का भाई है। ये नींद मौत की एक शक्ल है और जन्नत में मौत नहीं होगी, तो मौत नहीं होगी तो नींद भी नहीं होगी, नींद भी मौत की तरह से है। तो नींद जन्नत में नहीं होगी। जन्नती कभी सोएंगे नहीं, हमेशा बेदार रहेंगे, हमेशा हशास व बशास रहेंगे, तरोताज़ा रहेंगे। ना उन पर सुस्ती छाएगी, ना उनको ऊँघ आएगी, ना उनको नींद आएगी, वो हमेशा जागे रहेंगे और हशास बशास रहेंगे। अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अन्नौमु अखुल मौत वला यनामु अहलुल जन्नह। नौम नींद ये मौत का भाई है, मौत का भाई है। जैसे मौत है वैसे नींद है, जैसे मौत से आदमी के एहसास ख़त्म हो जाते हैं, हरकत नहीं कर सकता है, इससे नींद में भी आदमी जो है एहसास ख़त्म कर देता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं और जन्नत वाले कभी सोएंगे नहीं। इस हदीस को शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने सिलसिलतुल अहादीस सहीहा में 1087 नंबर पर ज़िक्र फरमाया है। तो नाज़रीन किराम, अहले जन्नत को जन्नत में नींद नहीं आएगी, हमेशा लज्जत उठाएंगे, हमेशा मज़े करेंगे, हमेशा जो है क्या नाम है खुश व खुर्रम रहेंगे। इसी तरीके से नाज़रीन किराम, अहले जन्नत बिल्कुल पाकीज़ा दिल वाले होंगे, आपस में कोई रंजिश और अदावत ना होगी। आज दुनिया में आदमी अपने दिल में किसी के लिए अदावत रखता है, किसी के लिए दुश्मनी रखता है, किसी के लिए कीना कपट रखता है। नाज़रीन किराम, जन्नत में कोई दुश्मनी नहीं होगी, कोई किसी के लिए कोई कीना कपट नहीं रखेगा, कोई किसी के लिए कोई रंजिश नहीं रखेगा, कोई किसी के लिए कोई हसद और जलन नहीं रखेगा। क्यों नहीं हसद जलन रखेंगे, क्यों नहीं अदावत रखेंगे? क्योंकि जो चाहेंगे उनको मिल रहा है। किसी से कोई हसद रखता है क्योंकि उसके पास वो नेमत नहीं है तो परेशान होता है कि नेमत मिल जाए, वहाँ तो जो चाहेंगे उनको मिल जाएगा। तो उनके दिल में कोई कीना कपट दुश्मनी किसी के दिल में होगी ही नहीं। जन्नती सब प्यार मोहब्बत के साथ होंगे, एक दूसरे के इज्जत और एहतराम के साथ होंगे, कोई दिल में कुदूरत और नफरत और अदावत और कीना कपट की बात नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन इख़्वानन अला सुरूरिम मुतक़ाबिलीन। सूरतुल हिज्र में अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 47 में बयान फरमाया है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हम उनके सीनों से कीना कपट को बिल्कुल निकाल देंगे। दुनिया में जो भी कीना कपट किसी के दिल में है, अल्लाह ताला जन्नत में जाने से पहले उसको बिल्कुल निकाल देंगे, साफ़ सुथरा कर देंगे। और इस तरीके से उनको सबको आपस में भाई भाई बना देंगे और ये एक दूसरे के सामने तरतीब से लगाए हुए तख्तों पर टेक लगा करके बातचीत कर रहे होंगे। सिर्फ वहाँ मज़ा है, वहाँ खुशी है और वहाँ एक दूसरे के लिए मोहब्बत है और एक दूसरे के साथ जो है बैठ कर के बातें करना और लज्जतें उठाना, यही है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं उनके सीनों से, उनके दिलों से हम कीना कपट को खींच कर निकाल देंगे, सबको भाई भाई बना देंगे और एक दूसरे के सामने आमने सामने बैठ कर के तख्तों पर जो है टिक लगाए होंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ला इख्तिलाफ फीहिम वला तबागुदा कुलूबहुम कल्ब रजुलिन वाहिद। उनके बीच में कोई इख्तिलाफ नहीं होगा, उनके बीच में कोई बुग़्ज़ और नफ़रत और अदावत और दुश्मनी नहीं होगी। सारे जन्नतियों का दिल एक आदमी के दिल की तरह से होगा, किसी के लिए किसी के ताल्लुक़ से किसी के दिल में कोई नफ़रत नहीं होगी। ला इख्तिलाफ़ बैन, उनके बीच में इख्तिलाफ नहीं होगा। वला तबागुज़ा, ना बुग़्ज़ होगा, नफ़रत होगी, ना दुश्मनी होगी, कुछ भी नहीं होगा। सब का दिल एक आदमी के दिल की तरह से, जैसा इसका दिल वैसा उसका दिल, ऐसा लगेगा कि जैसे एक ही दिल है। सब का दिल एक तरह से बिल्कुल साफ शफाफ, हर चीज़ से पाक, हशास बशास, खुश व खुर्रम, टेंशन और गम से बिल्कुल पाक और दूर। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अखलाकुहुम अला खुल्क़ रजुलिन वाहिद। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने हदीस नंबर 2834 में ये फरमाया है कि उनके अखलाक ये एक आदमी के अखलाक की तरफ से होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये जो है अच्छे हैं वो बुरे हैं और ये जो है सख्त कलाम करते हैं, ये गाली गुलूज देते हैं, ये सख्त सुस्त कहते हैं, लान तान करते हैं, ये हसद करते हैं, ये जो है जैसे दुनिया में चीज़ें हैं, नहीं। सब के अखलाक बिल्कुल एक तरह से होंगे, सब का दिल एक तरह से होगा, किसी तरीके से उनके आपस में कोई इख्तिलाफ और कोई बुग़्ज़ और कीना कपट और कोई दुश्मनी और नफरत नहीं होगी। इसी तरीके से नाज़रीन किराम, अहले जन्नत जन्नत में दाखिला पाकर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और हमेशा अल्लाह को याद करेंगे। जाहिर सी बात है जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, सुभान अल्लाह, कितनी अजीम नेमत अल्लाह ताला ने अता फरमाई है, कितना अजीम घर अल्लाह ताला ने जन्नतियों को अता फरमाया है। थोड़ा सा उन्होंने अमल किया है, हमेशा के लिए अल्लाह ताला ने उन्हें माला माल कर दिया है। थोड़ी सी उन्होंने कुर्बानी दी है, उसका कई गुना अल्लाह तबारक तआला ने उन्हें नवाजा है। तो जन्नती बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह की हम्द व सना बयान करेंगे। चुनांचे अल्लाह ने फरमाया वक़ालु अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। वो कहेंगे उस अल्लाह की तारीफ जिसने हमको इस्लाम की तौफीक दी थी, अगर अल्लाह तौफीक ना देता तो हम ये तौफीक नहीं पाते। सूरह आराफ में आयत नंबर 43 में। इसी तरीके से अल्लाह ने फरमाया वक़ालु अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी सदक़ना वअदहु व अवरसनल अर्द नतबव्वअ मिनल जन्नति हैसु नशा। उस अल्लाह की तारीफ जिसने हमसे अपना वादा सच कर दिखाया और हमको जन्नत का वारिस बनाया, जहाँ हम चाहें जिस तरीके से मदद करें। सूरह ज़ुमर में आयत नंबर 74 में। इसी तरीके से दावा हम, तो ये जन्नती जन्नत में में अल्लाह ताला के हम्द व सना बयान करेंगे, अल्लाह ताला की तारीफ़ व तस्बीह बयान करेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और कहेंगे ये सब कुछ अल्लाह तबारक ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमको तौफीक अदा दी। और सुबहानकल्लाह हमेशा कहेंगे, सलाम करते रहेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहते रहेंगे। ये उनकी ज़बानों पर ऐसे वारिद रहेगा। तो ये जन्नतियों के औसाफ हैं। अल्लाह ताला हमको सबको जन्नत का मुस्तहिक़ बनाए। हादा मा इंदी वल्लाहु ताला आलम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद वसल्लम तस्लीमन कसीरा।